Hello third years, good afternoon. I hope you all are all right. So today you will all be go through one unit test जिसमें हम लास्ट क्लास में लिया था सैम्पलिंग. सैम्पलिंग मैंने पढ़ाया था, उसमें से आपका मैंने एक लाइक एक टेस्ट लिया है 10 marks के. आप उसको गो थ्रू कीजिए, देखिए आपके कितने स्कोर्स आते हैं. और इट इज़ कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट, वो पार्टिसिपेट करना है आपको उसमें. एंड यू विल शेयर योर मार्क्स ऑल्सो. और आपको कुछ भी डाउट्स है तो यू कैन शेयर मी कि मैम इसमें हमें प्रॉब्लम है. ओके, टुडे इन द नेक्स्ट लेक्चर अगर आपको सैम्पलिंग में कुछ भी डाउट होता है टेस्ट के बाद तो वी कैन कंटिन्यू विद द सैम्पलिंग ऑल्सो. बट टुडे आई एम स्टार्टिंग ए न्यू टॉपिक इज कॉल्ड डेटा कलेक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो कि वॉट इज़ डेटा. डेटा क्या होता है, क्या डेटा कलेक्ट करना है हमको बींग ए रिसर्चर. आप को मैंने बोला, एक ग्रुप बना दिया, उसको बोला जाइए आप डेटा कलेक्शन करके लेके आइए, आप क्या कलेक्ट करोगे. तो दैट यू नीड टू नो कि हाउ वी विल कलेक्ट और टू हूम वी विल कलेक्ट. तो दिस इज़ कॉल्ड दी व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स यू नीड टू कलेक्ट इज कॉल्ड दी डेटा. सी इन दिस यूनिट व्हाट वी विल सी फर्स्ट इज फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा. आई विल टीच यू व्हाट इज डेटा. विल सी द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा इज देयर, कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा को कलेक्ट कैसे किया जाता है, हाउ इट इज़ कलेक्टेड, हाउ वी कलेक्ट द डेटा. नाउ द मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेथड्स की कैसे किस किस मेथड से किस कैसे कलेक्ट करते हैं, आर द मेथड्स. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट इज असेसमेंट ऑफ क्वालिटेटिव डेटा. देर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा, क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव डेटा. तो इस क्वालिटेटिव डेटा को असेस कैसे करते हैं, असेसमेंट के तरीके मैं आपको बताऊंगी. प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, हाउ डेटा विल प्रोसेस बाय डूइंग द एडिटिंग, कोडिंग, टैबुलेशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन. विल सी दिस ऑल इन दिस यूनिट. ये थोड़ा सा लेंथी यूनिट है बट वन बाय वन विल डील विद दिस टॉपिक. सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा. सी स्टूडेंट्स, इन दिस यूनिट I'll use more than three slides also. Better you prepare one note, जिसमें आप मेरे सारे recordings के आप एक notes बनाइए. वो notes आप लोग के लिए बहुत beneficial होएगा, क्योंकि मैं अभी केवल एक ही slides नहीं पढ़ाऊँगी जो आपको लगे कि एक slide होगा. I'll use more than 2 to 3 slides. तो सबके कंबाइन करके मैं पढ़ाऊंगी, तो बाद में आपको ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा. इसलिए प्रिपेयर नोट टुडे इटसेल्फ ताकि आपके लिए इजी हो. सो फर्स्ट विल सी दी व्हाट इज़ डेटा. डेटा क्या होता है जो हमको कलेक्ट करना है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. डेटा आर ऑब्जर्वेशंस और एविडेंसेस अबाउट दी सोशल वर्ल्ड. अब हमने अभी तक कम्युनिकेशंस पढ़े थे. कम्युनिकेशंस में हमने क्या बोला पढ़ा था कि शेयरिंग ऑफ द डेटा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. अब शेयरिंग ऑफ द डेटा मीन्स आप बातचीत जो करते हैं, दैट वी कॉल द डेटा इन द कम्युनिकेशन. नाउ इन दिस सिचुएशन डेटा आर ऑब्जर्वेशंस और एविडेंसेस अबाउट द सोशल वर्ल्ड. मीन्स वॉट एवर यू हैव ऑब्जर्व, वॉट एवर यू हैव फाउंड, आँख से देखा है, सुना है और करके देखा है, वॉट एवर थिंग्स दैट इज एविडेंस्ड फ्रॉम द सोशल वर्ल्ड, दैट वी कॉल द डेटा. नेक्स्ट, द डेटा इज द प्लूरल ऑफ डेटम. Can be quantitative or the qualitative in nature. Now this term quantitative and qualitative means if we are collecting the data in the numerical form, means numbers पे अगर हम collect कर रहे हैं कोई data को, तो that we call the quantitative data collection. Understand? Or quantitative data you can say. And what is qualitative data? Qualitative data is if we are collecting the data descriptive form, like paragraph form. Ab I'm giving one example of quantitative data. I'm asking you, India mein coronavirus se kitne log infected hue hain. Ab your answer will be in the numbers. Understand? Aapka answer jo hai wo numbers mein aayega ki madam 31, ma'am 1000, ma'am 15,000 will be your answer. Understand? तो this is data. मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप मुझे numbers में बता रहे हो, is called data. That is quantitative data. Now अब I'll ask you question about the qualitative, to collect the qualitative data. Corona virus से कितने
स्टेट अफेक्टेड हुए हैं और क्यों। अब आप इसको कैसे आंसर करोगे? अब आप इसको आंसर करोगे कि मैडम देर आर वेरियस स्टेट्स आर अफेक्टेड विद दिस कोरोना COVID-19, जिसमें आप अपने सारे स्टेट्स के नाम लिखोगे जो अफेक्टेड हैं एंड क्यों अफेक्टेड है। अब उसके रीजंस आप डिस्क्राइब करोगे, मींस यू आर गिविंग द डेटा इन ए लेंथी इन ए डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू, तो दैट वी कॉल द क्वालिटेटिव डेटा इफ़ यू आर गिविंग द डेटा इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब ये तो हो गया क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, बस इतना माइंड में रखिए बच्चों आप लोग। क्वांटिटेटिव डेटा का मतलब होता है न्यूमेरिकल फॉर्म में कोई डेटा कलेक्ट करना है तो दैट इज़ कॉल्ड द क्वांटिटेटिव डेटा डेटा। इफ़ वी आर कलेक्टिंग डेटा इन द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दैट वी कॉल द क्वालिटेटिव डेटा। सो मूविंग टूवर्ड्स, डेटा इज़ प्रोड्यूस नॉट गिवन। डेफिनेटली डेटा प्रोड्यूस होता है, जैसे मैं आपको पूछी हूँ आप के माइंड से प्रोड्यूस हुआ है, योर आंसर इज प्रोड्यूसिंग फ्रॉम योर माइंड। आप कहीं से ऐसे किसी से बना बोना के आप नहीं बोलोगे। जैसे आप BA थर्ड ईयर स्टूडेंट फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स पे जाओगे कुछ डेटा कलेक्ट करने के लिए रिगार्डिंग एनी टॉपिक, वो तुरंत योर लास्ट क्वेश्चन दे विल थिंक एंड दे विल टेल विल बी योर डेटा, अंडरस्टैंड। तो मैं आपको प्राइमरी डेटा है, सेकेंडरी डेटा भी आपको बताऊँगी व्हाट इज़ दैट। So this was all about the data and next we'll see the